समर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो जीवात्मा हमारे पुत्र के रूप में आया था उसका मंगल हो, उसको सुख पहुंचे तो जरूर लाभ मिलेगा। पर बहुत बड़ी दुर्गति की बात है, बहुत बड़ी दुर्गति की बात है। बहुत से उपाय हैं, उससे सिद्ध उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण है। अगर उसके निमित्त हम पाठ करवाएं 7 दिन किसी विद्वान से और वो फल हम प्रभु को समर्पित करें कि वो उस जीवात्मा को प्राप्त हो, तो फिर वो प्राप्त हो जाएगा, उसका मंगल भी हो जाएगा। वैसे बहुत बड़ी दुर्गति होती है, ये बहुत ही निकृष्ट दुर्गति का, ये सबसे बड़े पापों में रखा गया है। उसका दंड तो अपनी भी सरकार में है। अगर आप अभी कुछ ऐसा कृत्य करने जा रहे हो और ये रिपोर्ट कर दी जाए तो हमारी भारत सरकार आपको बंदी बना लेगी और इसका दंड देगी। शरीर का आप प्रयोग कर सकते हैं लेकिन नष्ट करने का अधिकार आपको नहीं है। यहाँ की सरकार भी आपको ऐसा नहीं देगी। फिर जो भागवतिक सरकार है इसमें तो बहुत बड़ा दंड मिलता है, क्योंकि ये बहुत दिव्य देह है, जो मनुष्य देह है इसके द्वारा हम नारायण बन सकते हैं। हम अच्छे आचरण करके हम देवता बन सकते हैं, हम बुरे आचरण करके भूत बन सकते हैं, नरक जा सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, दुर्गति हो सकती है, इसमें जो चाहे कर सकते हैं। अब होता क्या, हम कई बार प्रार्थना कर चुके हैं एकांतिक में कि ये जो आज हमारे लगभग 30 वर्षों से चला है, पहले हमने नहीं सुना, 30-35 वर्ष से चला होगा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये तो हमने नहीं सुना। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब तो कहीं कोई लेस मात्र भी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी, ऐसी कोई भावना ही नहीं थी, ऐसी कोई भावना नहीं थी। ये 35 या बहुत ही बहुत 40, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मोबाइल भगवान जब आए ना तब से ज़्यादा विस्तार कुमार्गामी प्रवृत्तियों का होने लगा, क्योंकि उसका दुरुपयोग करने लगे। आप बताइए, जिसका मन शासन में नहीं है, संयम में नहीं है, वो प्रेम कर सकता है? जिसकी इंद्रियां व्यभिचार में उतर गई वो प्रेमी हो सकता है? क्या ड्रामा, क्या नाटक, हम आपसे प्रेम करते हैं, धोखा नहीं तो और सत्य मिलेगा? धोखा ही है, अगर टिके हुए भी हो तो भी धोखा है। अब देख लेना, परिणाम में देख लेना। क्यों यहां आए, किस लिए हो? संयम से चलकर माता पिता की आराधना करके, उनकी अनुमति लेकर के, गृहस्थ धर्म या विरक्त धर्म जो भगवान दे उसका पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए। आज माता पिता को कुछ नहीं समझा जाता है, नए बच्चे ना अवहेलना कर दे, कितने यहाँ आकर के ये इस विषय की चर्चा करते हैं। हम सब नवीन भाइयों से यही समझाना चाहते हैं, मित्रता करना बुरा नहीं है, प्रेम करना पाप नहीं है, लेकिन व्यभिचार करना पाप है। आप जब तक एक को वरण कीजिए और आजीवन निर्वाह का नियम लेकर माता पिता के सामने पेश हो जाइए, चाहे वो सरकार से आपको पास करवा दें या स्वयं पास कर दें, और आजीवन रहिए दुख सुख को समान भाव से, ये कोई पाप नहीं। लेकिन जब तक संस्कार ना हो जाए तब तक दोनों एक मित्र की तरह पवित्र रहिए, देखो आपका जीवन कैसा बनता है। ये क्या चरित्र है, 4 दिन इधर 4 दिन इधर, बोले उससे ब्रेकअप और उससे फिर प्यार, फिर उससे ब्रेकअप, फिर उससे प्यार, इसको क्या शब्द दें, क्या कहेंगे इसे? आप विचार करो, वो कभी जीवन निर्वाह कर सकती है, कर सकता है? दोनों के लिए हमें, तुम कभी एक का वरण करके रह सकते हो? थोड़ी बात देखो, ये रसेंद्रीय है, इसको 4 होटलों को पवाओ और फिर अपने घर की रसोई का 1 महीना पाके हमें दिखाओ। 2 ही दिन में मन कहेगा कि चाहे 4 परेठे लाओ दुकान के ले आओ, क्योंकि आपने अपनी रसेंद्री को छूट दे दी है। अब वो कैसे रह सकती है एक रसोई में? ऐसे ही पूरा उदाहरण ले लो जीवन का, आपने व्यभिचार प्रवृत्ति का स्वागत किया अपने जीवन में, अब आप एक पति से प्रेम कर लेंगी या एक पत्नी से प्रेम कर लेंगे? अब इस बात को समझा नहीं जा रहा है, 4 दिन बाद धोखेबाजी शुरू होती है और फिर या तो क्रोध में आकर वो उसकी हत्या कर देता है या फिर ऐसे ऐसे सब जो नौटंकी नाटक हो रहे हैं। हाँ, ये है लव मैरिज, ये है प्यार, वाह भाई प्यार। प्यार को तो हमने आज तक ये समझा है कि अपने को दुख देकर सामने वाले को सुख पहुंचाना, जिसको हमने प्यार किया है उसको सजाना जीवन भर, उसकी खुशी के लिए अपने को बलिदान कर देना, इसे प्यार कहते हैं। चाहे राष्ट्र से प्यार करो, चाहे भगवान से प्यार करो, या किसी व्यक्ति को भगवान मान करके प्यार करो, आप ऐसे करो अभी आनंद आ जाएगा। लेकिन हम प्यार करते हैं हमारे अनुकूल चलो, समाज का स्वरूप देखो ना, हाँ हमारे अनुकूल चलो, इसे प्यार नहीं करते, अपनी इंद्रियों की विलासता को प्यार नहीं करते। प्यार में मिटना आता है, हमारे देश से प्यार किया तो वंदे मातरम फांसी का फंदा ऐसे गले में चूम के डाल लिया जैसे ब्याह का जयमाला। क्या प्यार एक दूसरे से करते हैं यार, धिक्कार है।
धोखा दे दिया, वो उसकी हत्या करवा दी, ये प्यार है? नौटंकी नाटक में फंस रहे हो। नहीं, हम कहते करो मित्रता, हम आदर करते हैं आपकी मित्रता का, लेकिन दोनों पवित्र रहना जब तक तुम्हारा आजीवन का नियम न बन जाए कि हम दोनों एक गृहस्थी धर्म में बंद कर आजीवन रहेंगे। अब आओ और संस्कार करो, फिर अपने विचरण करो गृहस्थ धर्म में। ये कौन सा भैया मलिन आचरण शुरू हो गया हमारी, तो समझ में नहीं आता। नयुन बच्चे जरूर कटु वचन मानते होंगे कि ऐसा कहते। अब एक और चला है, अभी वो चर्चा हुई थी, लिव इन रिलेशन। अब हमें तो परिचय उसका इन्हीं सब पढ़े लिखे लोगों ने दिया कि आप चाहो तो महीना दो महीना रह सकते हो साथ और इसके बाद छोड़ सकते हो। यार क्या तमाशा हो रहा है, मतलब आप कोई दुकान की वस्तु समझ लिए हो? मतलब आज अपने जीवन को आप कहाँ पहुंचा रहे हो कि हम महीना दो महीना एक मित्र बन करके रहे और विलासिता की, और फिर कह दिया कि हमारा तो मन नहीं आपके साथ रहने। होगा ही क्यों मन, क्योंकि वहां सुख है नहीं, नवीन नवीन भोगने की इच्छा होगी। क्या यार समाज समाज को बर्बाद किया जा रहा है, क्या समाज का हमारे स्वरूप प्रकट हो रहा है? तो है वैसे बड़ा भयावह ये प्रसंग। कई बार हम कह चुके हैं कि माता पिता जरूर दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि अगर आपने बचपन से शिक्षा दी होती, आप उनके वो अधिकार ना देते जो आपके अधिकार को रौंद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा गलतियां ना होती। आपने अपने सुख के लिए केवल विचारा, लौकिक सुख के लिए केवल विचारा, आपने कभी बैठ के उसे धर्म की शिक्षा नहीं दी, आपने कभी बैठ कर उसे शास्त्र स्वाध्याय नहीं कराया, आपने बैठ करके उसे कभी उसको वो नहीं सिखाया जिसका भोग भोगना पड़ रहा है। हाँ, खूब पढ़ो लिखो, नौकरी करो, धन कमाओ, मौज मस्ती कर बेटा। अब बेटा जब उतरा अपने रंग पे तो फिर तुमको भी अनादर भाव से देखा, और कुछ जानता नहीं तो क्या करेगा, संसार में जाएगा, नफीम पिएगा, दृश्य खाएगा, कोई नशा करेगा, बेविचार करेगा। अब इसके बाद परिणाम जब इनका आएगा तो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो किसी तरह निकल जाए। अब आप रो रहे हो, हमें तो लगता है कि पौधा आरोपित जब हुआ तब से लेकर जब तक वो पूरा वृक्ष न बन जाए माली की ड्यूटी रहती है। कहीं हमसे चूक हो गई, दीमक लग गई, हमारा पौधा नष्ट हो गया, हमसे चूक हो गई। हम जो अंदर की बात देख रहे, गर्भस्थ शिशु में भी संस्कार आ जाते हैं। देखो अभिमन्यु जी को कहां से चक्रव्यूह तोड़ने की, प्रहलाद जी को कहां से भक्ति मिली, गर्भ से। हम लोग क्या आचरण